आज हम बनाएंगे मूली की भुजिया। हमने मूली को इस तरह का बारीक काट लिया है। इसको हम अच्छे से धो लेंगे और फिर यह पकाने के लिए तैयार है। यह 1 किलो मूली है। हमने इसे अच्छे से धो लिया है। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। हमने 10 से 12 बारीक कटे हुए लहसुन डाले हैं। अब हम इसमें चुटकी भर हींग डाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमें स्वाद के अनुसार डालना है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम मूली डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम प्लेट से ढक देंगे और इसे हम मीडियम आग पर यानी कि मध्यम आग पर पकने देंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये ना जले। इसे हम प्लेट से ढक देंगे और मध्यम आग पर ही पकने देंगे। सात से आठ मिनट हो चुकी है। हमने प्लेट हटा ली है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक बिना प्लेट से ढके हुए पकाएंगे। इसे हम फुल आग पर पका रहे हैं। दो मिनट हो चुकी है और ये पूरी तरह पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और यह खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।